पुलिसमैन जो है वो ड्यूटी करके आ रहा था, नाइट ड्यूटी, तो रास्ते में नव युवती मिली, तो उसने कहा कि मैं रास्ता भूल गई हूं और आज आप अपने घर ले चलो। उसका ब्याह हुआ नहीं था, पवित्र भाव से घर ले गया। जब घर में ले गया तो फिर उसका पवित्र भाव हो गया उस युवती का, वो तो घर ही था। सुबह निकल गई साथ, बड़ा खुश हुआ कि यार दूसरे दिन फिर वही मिली, तो उसने कहा आज तो घर नहीं भटकी होगी। बोले नहीं, कल से हमारी आपकी मित्रता होगी, अब हम रोज आपको यही मिला करेंगे। अब वो मानसिक शक्ति से युक्त वो पुलिस में, और वो प्रेतियोनि को प्राप्त जिसे चुड़ैल कहते हैं, ऐसी वो, अब वो तो महीना भर में वो सूख गया, पीला शरीर हो गया। वैद्य के पास गया तो वैद्य ने कहा कि ऐसी दशा किसी शारीरिक सहवास से नहीं होती, तुम्हारा कोई मतलब एक अलौकिक शक्ति है जो तुम्हारा शोषण कर रही, वो स्त्री नहीं है। उसने कहा फिर भी आप दवा हमें शक्तिवर्धन के लिए दीजिए, हम तो चलने लायक नहीं रह गए। तो पुरानी रद्दी में कहीं गीता जी के कोई पर्चे में श्लोक जैसे लिखे थे, तो पुराने उसमें गीता जी के श्लोक उसमें उसने पुड़िया बना दी, वो पुड़िया ऐसे डाल ली, और उसने जाके गुस्सा में दरवाजा बंद कर लिया कि आज से हम मिलेंगे ही नहीं, हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। तो देखा पार्श्व में बैठी, उसके होश उड़ गए। उसने कहा कि आप कौन हो, कहां से आई हो? वह इतने दिन से मिल रहे हो, अभी ये नहीं जान रहे कौन हो? बोले कहां से आए हो? वह झरोखे से आई। तो उसके होश उड़ गए, झरोखे से आई इसका मतलब? तो उसने कहा दूर क्यों हो, तुम आते ही हमारे को स्पर्श करती थी, आज स्पर्श? बोले पुड़िया हटाओ जेब से। उसने पुड़िया, पुड़िया में क्या? बोले इसमें गीता का श्लोक लिखा हुआ है, मैं तुम्हें स्पर्श तब तक नहीं करूंगी जब तक, और देखो तुम हमें तनिक भी प्यार करते हो, तो पुड़िया हटाओ। उसने कहा पुड़िया कैसे हटा सकते हैं? उस दिन वो बैठी रही पर स्पर्श नहीं हुआ, और समय आने पर चली गई। दूसरे दिन उसने गीता का पूरा जेब में रख लिया, और जहां आती ना यदा यदा धर्मस्य ग्लानिः भवति, आना ही बंद हो गया। ए गीता जी, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान की चरित्र, तुलसी जी, चरणामृत, ये हम सब सेवन, रज रानी, हमको भूत लगेगा? नहीं भाई, ये कल्याण के लिए आते हैं, डरो मत। ये ना डरे कि वृंदावन में भूत है, क्या क्या जानते हो आप? भगवत चरित्र पढ़ के देखो, जो ब्रज के भक्तों की चरित्र कैसे मिलते हैं चरित्र जिनमें ऐसा। तो संतों से अपना कल्याण करने आते हैं, डरना नहीं। कभी कोई प्रेत आत्मा मंत्र लिए हुए और नाम जापक कंठी बांधे वाले को स्पर्श नहीं कर सकती। वायु और अग्नि, इस तत्व का उनके अंदर विशेष प्रवेश रहता है, और आकाश तत्व, उनमें जल और पृथ्वी तत्व का, इसलिए जैसे देवता कोई रूप धारण कर सकता है, अंतर ध्यान कर सकता है, ऐसी उनमें शक्ति होती है, पर वो किसी को स्पर्श नहीं कर सकते। वो स्पर्श उसी को करते हैं जो बिल्कुल उनकी कैटेगरी के होते हैं, वैसे ही पापाचरण करने वाले, वैसे ही। अब उनको पानी तो मिलेगा नहीं, तो किसी के ऊपर आवेश करके वो ऐसे पानी आदि पीने के लिए, या उसको ऐसे थोड़ी होते कि भगत के ऊपर भूत आ जाए। कभी आज सुना है आपने कंठी बांधे, तिलक लगाए, नाम जापक, कभी कहीं सुना है? मुझे तो आज तक ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि कोई सी भगत के ऊपर आए हो, देखा है क्या कभी कोई? हाँ नाटक ही करता हो, भक्ति का तो बात अलग है कि वो नहीं, तो भक्त के ऊपर भूत कहां आएगा? पंच महाभूतों का प्रभाव नहीं रहता, एक भूत क्या कर लेगा? इसलिए नाम जो, डरना मत। तो या कर समस्त भूतों के प्रति अपने समान बर्ताव करता हो, भूत से नहीं मतलब, मतलब प्राणियों से मतलब, सब भूत ही है जो भजन न करे। कोई डर तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा यदि नाम रूपी अंग रक्षक हमारे पास है, हर समय नाम। बचपन में जब थे तो एक दो गली ऐसी पड़ती थी जैसे जानवर जहां बंधते वहां जाना है, या घर वहां से घर जाना है, तो अंधेरा पड़ता था, गांव में बिजली होती नहीं थी, तो जैसे माता जी से कहते थे बहुत डर लगता है, तो कहती बच्चा जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान कहा करो, डर नहीं लगेगा। तो उस समय बचपन में संस्कार डाले गए थे कि जब गली में पहुंचते तो अंधेरे में कोई कोई भूत ना हो, तो वह आंख
बिल्कुल सीधी गली को जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान दौड़ के गली अंधेरे की निकल जाते थे। वही संस्कार गंगा किनारे भी काम किए कि जीव सर जहां भय लगता तो वहां जोर से भगवान नाम जब कीर्तन शुरू हो जाता। कभी ऐसा नहीं कि कभी दिखे नहीं, ऐसा नहीं दिखे हैं, पर कभी भय का माहौल नहीं आया। भगवान नाम बहुत बड़ा अंग रक्षक है। नाम पहारू दिवस निस, ये बात ध्यान रख, हर समय नाम जप करो, कोई भय नहीं। और भय है, अगर नाम जप नहीं किए तो भय ही भय है, और नाम जप चल रहा तो कोई भय नहीं, ये पक्का समझना। कभी कोई प्रेत आत्मा किसी भी भजन करने वाले का स्पर्श नहीं कर सकती, इतनी बड़ी ताकत नहीं। तो आपके गले में कंठी बंधी है, इसलिए कहते तुलसी जी की कंठी रखो। नाम जप चल रहा है, कभी कोई ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाच अग्नि बैताल काल मारी मर कोई भी नहीं स्पर्श कर सकता। जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई। एक ब्राह्मण थे तो तीर्थ यात्रा करना चाहते थे, उनके लड़के थे पर उनकी ज्यादा आज्ञा नहीं पालन करते थे, तो सोचा कि बूढ़ा के लिए तीर्थ यात्रा कैसे कर पाऊंगा। तो एक गरीब ब्राह्मण का लड़का था, उससे कहा कि भैया तू इधर उधर नौकरी के लिए भटकता, अगर तू मुझे तीर्थ यात्रा करवा दे तो मैं तेरे खान पान की व्यवस्था और धनराशि भी दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा चलो अच्छा है, आपके साथ तीर्थों का भी दर्शन होगा। तो जहां जहां जाना चाहते थे उन जवान ब्राह्मण बूढ़े ब्राह्मण को ले गया तीर्थ दर्शन कराती हो। जब ब्रज धाम आया तो उसको बहुत बुखार आ गया बूढ़े को। उसने बहुत सेवा की, जैसे मतलब माता अपने बच्चे की सेवा करती है, ऐसे सब सेवा की उस जवान ब्राह्मण ने। बड़ा द्रवित हुआ बूढ़ा ब्राह्मण, धनी ब्राह्मण था वो। तो गोपाल जी के दर्शन जब करने गया तो उसने कहा बेटा तुमने बहुत सेवा की है, तुम्हें क्या दे सकता हूं। मेरे एक बेटी है बहुत सुंदर है, बेटी और बहुत धन संपत्ति है, मैं तुम्हें दूंगा। बोले देखो बाबा तुम तो यहां बोल रहे हो, घर में तुम्हारे जवान लड़के हैं, हमारी पिटाई करेंगे। बोले हम गोपाल जी को साक्षी करके कहते हैं कि अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे से करवा दूंगा और संपत्ति भी दूंगा। बात हो गई। तीर्थ यात्रा करवा के जब घर पहुंचा तो बूढ़े की हिम्मत नहीं कि बात कर सके लड़कों के सामने, क्योंकि बेचारा गरीब ब्राह्मण का लड़का। महीना भर सोचता रहा कि कभी ना कभी तो सूचना दे, वो तो सूचना ही नहीं। तो घर गया उनके और बोला देखो बाबा आपने कहा था कि तुम्हारा, तो लड़कों ने धक्का लगाया और दो चार थप्पड़ लगाए कि तेरी सामर्थ्य क्या है कि तू मेरी बहन से ब्याह करने की बात सोच सके। बोले नहीं बाबा ने कहा था। अब लड़कों की वो स्वरूप देख करके बाबा बदल गए, उनका हमें नहीं याद है कि हमने कुछ कहा था। अब उसने कहा अरे नहीं तुमने तो गोपाल जी के सामने कहा था, लोगों का हमें याद ही नहीं कि हमने तुमसे कुछ कहा है। पीट के भगा दिया। अब उस लड़के को इस बात का बुरा लगा कि तीर्थ यात्रा करके आया और कह रहा कि मुझे याद नहीं है, अब मैं अपनी तरफ से तो कहा नहीं था ब्याह करने की और इसने हमारा अपमान भी करवाया, अब तो ब्याह करके ही रहेंगे। उसके जिद चढ़ गई। उसने पंचायत बुलाई और पंचायत में कहा कि इसने हमें तीर्थ यात्रा के लिए प्रेरित किया, तीर्थ यात्रा ले गया, मैंने इसकी सब सेवा की, इसने ठाकुर जी के सामने मेरे ब्याह की बात कही। तो बोले कोई और गवाही दो तब बात बनेगी। बोले गवाही में तो केवल हम ही और ये बुढ़ा और ठाकुर जी थे। तो बोले अब भाई गवाही तो दो में क्या, तुम जो कह रहे हो कि इन्होंने कहा वो कह रहे नहीं कहा तो तीसरा चाहिए, जो तीसरे में तो ठाकुर जी थे। तो बोले अगर गवाही दे दें तो ब्याह हम जबरदस्ती करवा देंगे। पंचायत पहले लगती थी गांव में, जैसे होता है ना न्यायालय, तो छोटा मोटा न्यायालय समझो गांव का, पंच लोग जो निर्णय कर देते थे फिर वही होता था। तो बुड्ढे से कहा तो बुड्ढा राजी हो गया, क्योंकि उसे पता था गोपाल जी थोड़ी आएंगे। उसने कहा अगर गोपाल जी कह दें पंचों के बीच में आके कि हाँ हमारे सामने ब्याह की बात हुई तो अब किसी के बात नहीं मानेंगे, हम ब्याह कर देंगे। लड़के भी राजी हो गए, क्योंकि सबको पता था कि कोई ठाकुर जी मूर्ति थोड़ी चल के आएगी, और उसने मूर्ति नहीं माना था, उसने साक्षात ठाकुर जी माना था। आया वृंदावन और ठाकुर जी का शयन हो गया था। अब वहां से अब वो बहुत परेशान कि अब कल तक हम रुके फिर ठाकुर जी से बात करें तो ऐसा। अब दरवाजा बंद थे, खटखटाया क्योंकि उसके लिए मूर्ति थोड़ी है, और कहा सुनो गोपाल जी हम तुमसे ये पूछने आए कि वो जो वृद्ध ब्राह्मण था उसने कहा था कि नहीं तुम्हारे सामने ब्याह की बात। दो चार बार आवाज लगाई तो वहां से तो कोई उत्तर नहीं आया। फिर बहुत जोर से बोला बड़बड़ा के देखो हम तुम्हें चैन से सोने नहीं देंगे, हम पैदल चल के आए भूखे हैं,
और आप ब्याह की समस्या है और आपको इसका उत्तर दे, छोटी मोटी बात होती तो छोड़ देते, ब्याह की बात है। ठाकुर जी ने अंदर से कहा मूर्ति कहीं चलती है वहां चल के, जब बोले मूर्ति बोलती तो चलेगी क्यों नहीं, ठाकुर जी फंस गए। ठाकुर जी ने अंदर से कहा कि कहीं मूर्ति वहां जाके थोड़ी उड़ीसा में वहां जाके साक्षी थोड़ी देगी, मूर्ति चलती थोड़ी है। बोले महाराज जब मूर्ति बोलती है तो चलेगी क्यों नहीं। अब ठाकुर जी विवश हो गए, ठाकुर जी बाहर निकल के आए और सब सेवक लोग सुला के गए थे, समझो कितना भाव में दम है। उसने देखा बहुत सुंदर गोपाल जी साक्षात ठुमुक ठुमुक कर करके आए नवकिशोर। बोले देखो हम चलने के लिए तुम्हारे भाव के कारण राजी तो है, लेकिन भोग राग की व्यवस्था, क्योंकि हम वृंदावन के ठाकुर, हमें तो चक माल चाहिए, हमको चना चवेना में तो रुकने वाले है नहीं, रबड़ी गुलाब जामुन ये सब चक चाहिए। तो बोले देखो कुछ रुपया तो है अब शादी का चक्कर, इसलिए व्यवस्था तो तुम्हारी बनाएंगे ही हम। तो बोले कैसे चलोगे। बोले चलेंगे तो हम पैदल ही, आगे आगे तुम चलना पीछे पीछे हम चलेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ भोग लिए रहना, हमको भोग लगा देना। बोले अब हम चले और तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो ये मुझे कैसे पता चलेगा। बोले नूपुरों की ध्वनि तुम्हें सुनाई देगी, अगर पीछे मुड़ के देख लिया तो जहां से मुड़ोगे वही हम खड़े हो जाएंगे, आगे नहीं चलेंगे। बात तय हो गई, चल दिए ठाकुर जी। अब आप देखो क्या मूर्ति है, अब वो बीच बीच में भोग लगाता हुआ जब अपने गांव के नजदीक पहुंचा तो सोचा केवल नूपुरे बज रहे कि आ भी रहे, मुड़ के देखा तो ठाकुर जी खड़े। बोले चलो, बोले अब नहीं, आप सबको लिवा के यहीं लाओ क्योंकि हमारा तुम्हारा वादा था। तो बोले कोई बात, गांव में दौड़ता हुआ गया, सबसे हल्ला मचाया, वृंदावन के ठाकुर पधारे साक्षी देने के लिए। अब तो भीड़ इकट्ठा, साक्षात ठाकुर। अब सब पंच आ गए तो अब पंचों के सामने बुड्ढे को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रही। ठाकुर जी ने सबके सामने उस भक्त की वचन रक्षा के लिए बोले और कहा हमारे सामने का ब्याह हुआ। अब आप सोचो अगर ये कोई बात सतयुग की नहीं है, ये बात सतयुग की नहीं है, ये कलयुग की ही बात है। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, जैसी हम भावना, अगर ठाकुर को मान लिया कि मूर्ति है तो मूर्ति ही रहेंगे, अगर मान लिया कि हम भले नहीं समझ पा रहे लेकिन हमारे ठाकुर है तो एक दिन वो समझा देंगे कि वो ठाकुर है। जो छवि हम देख रहे हैं, राधा बाबा के पास भी ऐसी छवि थी, तो राधा बाबा से ठाकुर जी बात करते थे, ठाकुर जी मुस्कुराते थे और हमारे सामने छवि, क्योंकि हम उन्हें फोटो मानते हैं। कभी फोटो और ये बात ना माने कि मूर्ति वो साक्षात है, ऐसी भावना करे तो अनुभव में आने लगेगा कि ठाकुर साक्षात है जी।